हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ शारदा स्टडी पॉइंट पे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी आया है आपका लगभग 36,000 प्लस में, वो सबसे बड़ी वैकेंसी, इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है और कैसे कैसे क्या किया जाएगा। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम इसमें टाइप करेंगे www.sarkariexam.com, यानी कि हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। खुलने के बाद हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है sarkariexam.com, जो कि आपके सामने दिया गया है। ये क्या है कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा, जो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुला हुआ है। इसमें आपके सबसे ऊपर देखा होगा यहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो फॉर्म आया है यह यहाँ पर दिया गया है। इस लिंक को हम क्लिक कर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका इस प्रकार कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको दिया है इंडिया पोस्टल सर्कल GDS रिक्वायरमेंट 2022 एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का है। ये फॉर्म आपका 2 मई से स्टार्ट हो गया और 5 जून तक भरा जाएगा। इसका लास्ट डेट है 5 जून। और इसमें जो कि जनरल OBC का है 100 रुपया लगेगा, SC ST फीमेल कैंडिडेट का कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है इसका। तो आपको दिया गया है यहाँ पे 38,926 पोस्ट है इसके। इसमें क्वालिफिकेशन है आपका दिया है यहाँ पे कि हाई स्कूल का मार्कशीट आपका जो हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से पास किए हो, फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम वो 60 दिनों का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद और सब डॉक्यूमेंट जितना जो कि नेसेसरी नहीं है, यह आपका इसमें सिलेक्शन आपका होगा, यानी कि मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो देखा जाता है कि आगे क्या बोर्ड करता है, किस बेसिक पर सिलेक्शन करता है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही हम आपको बात आने वाले थे कि पोस्ट ऑफिस का फॉर्म निकल गया है, आप भरें और अपना भर के फॉर्म अपना तैयारी करने लग जाएं और तैयारी करके अपना जॉब के लिए तत्पर एक्टिव हो जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।